Hi guys, welcome to my channel and welcome to another video. Basically, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ अपने हेयर कलर का एक्सपीरियंस कि मैंने जब अपने hairs पे कलर कराया था ना तो उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वैसे तो मैं इन सब बता दूं आपको कि बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था और जब मैंने हेयर कलर कराया था उस टाइम तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था लेकिन उसके बाद मैंने जो दिक्कतें फेस करी ना मैं क्या ही बताऊँ और अब लिटरली मैं यही सोचती हूँ कि कभी भी मुझे हेयर कलर नहीं करवाना है अपने बालों पर अब बेसिकली पूरी डिटेल में क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं अब आपको फर्दर इस वीडियो में बताऊँगी सो so, इंट्रो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर ले सो देखो यार एक्चुअल में मैं सोलॉन गई थी अपने मैरिज के टाइम पे ठीक है मेरे से अराउंड वन मंथ पहले तो आपको पता है कि वन मंथ पहले ही हम बुकिंग वगैरह करा लेते हैं लाइक like हमारी प्री ब्राइडल ब्राइडल की और जो भी मेकअप वगैरह होता है ना उन सब की आप बुकिंग पहले ही आपको एडवांस में करानी पड़ती है तो मैंने भी एडवांस में बुकिंग कराने के लिए मेरे जो नियर बाई में था अच्छा सोलॉन वहाँ मैं चली गई थी और वहाँ जाके मैंने बुकिंग करवा ली ठीक है तो बुकिंग करवाने के बाद सबसे पहले मेरा प्री ब्राइडल हुआ अराउंड थ्री टू फोर डेज का जो भी होता है अब तो मुझे ये भी याद नहीं कि थ्री डेज का था या अप्रॉक्सीमेट फाइव डेज का आई थिंक थ्री डेज का ही था ठीक है उसमें जो भी फेशियल क्लीन अप वगैरह जो जो चीज़ें होती है वो हुई ठीक है अब लास्ट डे जिस दिन मैं मतलब प्री ब्राइडल मेरा खत्म होने वाला था उस दिन उन्होंने क्या कहा मुझे कि वो कहते हैं यार आपकी जो हेयर की कंडीशन है वो बड़ी खराब है मैम एक काम करो ना आप वेडिंग का सारा चीज तो करा ही रही हो आप क्या करो बालों में कलर करा लो है ना और मैं पहले से ही बालों में कलर कभी कराना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी कि बालों में कलर कराने से ये दिक्कत होती है अपने आसपास में लोगों से सुना था कि इससे बाल झड़ने लग जाते हैं ये दिक्कत हो जाती है वो दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं मेंटली बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी और मैं चाहती भी नहीं थी कि मैं हेयर कलर वगैरह कुछ भी करवाऊँ लेकिन आपको पता है सलोन वाले कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो उन्होंने बार बार बोलना स्टार्ट किया कि मैम आप कराओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपके हेयर की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी इस तरह से लगेंगे उस तरह से लगेंगे आपके हेयर बहुत ज्यादा अच्छे शाइनी लगने लग पड़ेंगे और वेडिंग के टाइम पे तो आपको कराना ही चाहिए ठीक है अब जब उन्होंने बार बार ये चीजें बोली ना तो मैं भी थोड़ी इन्फ्लुएंस में आ गई मुझे लगा यार बात तो सही बोल रहे हैं मुझे भी एक बार ट्राई तो करना चाहिए ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको हम डिस्काउंट भी दे देंगे तो जो भी हमारा चार्जेस होते हैं हेयर कलरिंग के वो अराउंड हम फिफ्टी लेस में आपका कर देंगे ठीक है अब मैंने सोचा यार देखो कितना सारा बेनिफिट मिल रहा है मुझे तो एक बार मैं ट्राई कर लेती हूं उसके बाद जब उन्होंने हेयर कलर करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यार आप मेहंदी लगाते हो ना तो इस वजह से आपके हेयर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोमिनेंट कलर है मेहंदी का कि इसको थोड़ा रिमूव करने में टाइम लगेगा और एक बार वो रिमूव करेंगे देन फिर फर्दर कब कलर, कलर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मैम ये जल्दी कलर चढ़ नहीं रहा तो जो मैंने अराउंड बर्गंटी कलर चूज किया था लेकिन वो प्रॉपर एज इट इज नहीं आया था मेरे हेयर पर क्यों क्योंकि उन्होंने दो तीन बार ट्राई किया लेकिन क्योंकि मेहंदी का कलर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट था ना कि वो कलर आ नहीं पा रहा था लेकिन उसके बाद भी जो कलर आया था ना वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आया था और मुझे उस टाइम पे अपने हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि बिल्कुल स्मूथ स्मूथ से फील हो रहे थे और वैसे भी अच्छे लग रहे थे मतलब शाइनी शाइनी भी लग रहे थे और कलर भी अच्छा लग रहा था अब देखो यार कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला मेरे हेयर्स अच्छे लगने लग गए है ना और वेडिंग के दे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि ठीक है मेरे हेयर का कलर अच्छा लग रहा है और कुछ टाइम तक अच्छा चलता रहा लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ मैंने नोटिस करनी स्टार्ट की वो ये है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरे ये वाला एरिया ना लिटरली बिल्कुल मैं गंजी हो गई हूँ और इतना अब जाके थोड़ा सा रिकवर हुआ है वो भी मैंने बहुत सारी मतलब होम रेमेडीज ट्राई की अपने हेयर्स के ऊपर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ है लेकिन इतना ज्यादा मेरा हेयर फॉल होता था चौबीसों घंटे जब कंगी लगाने इन्ने इन्ने गुच्छे मेरे बालों के बाहर निकलते रहते थे और धीरे धीरे मुझे लगता था यार एक दिन तो मैं गंजी हो जाऊंगी मेरे पास बाल ही नहीं बचे हैं ऐसा मुझे लिटरली महसूस होने लग पड़ता था क्योंकि हेयर फॉल मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था आफ्टर हेयर कलर और इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था ना कि मुझे लगता था कि मुझे कंगी करनी ही नहीं है अगर मैं जैसे कंगी करूँगी हेयरफॉल ज़्यादा होगा ठीक है तो सबसे मेजर चीज़ ये भी फर्क पड़ती है कि जब आप हेयर कलर कराते हो ना तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे सुना था, था ना पहले जिनसे मैंने पहले सुना था ना हेयर कलर के बारे में उन्होंने भी ये बताया था कि हेयर कलर करने के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है लेकिन चलो मेरा दिमाग खुद ही खराब था कि मैंने करवा लिया उसके बाद सेकेंड चीज़ की अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे होनी स्टार्ट हुई वो थी वाइट हेयर्स की मेरे ऑलमोस्ट हेयर आधे से ज्यादा वाइट हो गए हैं और अभी भी वाइट है मतलब वैसे आपको साइड पे तो नहीं दिखेंगे सामने लेकिन जब मैं अगर बीच से दिखाने लगू ना तो बीच में वाइट वाइट बाल है ऑल दो कैमरे में नहीं दिखेंगे इतने ज्यादा लेकिन बीच में मेरे इतने सारे स्टैंड वाइट हो चुके हैं ना जो वाइट वाइट अलग ही दिखते हैं ठीक है अब जब मैंने देखा कि यार मेरे बाल धीरे 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 करके वाइट हो रहे हैं ठीक है और वो मेरे को प्रॉब्लम पहले बिल्कुल भी नहीं थी पहले मेरे हेयर्स बहुत अच्छे थे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो वाइट थे लेकिन उसके बाद धीरे 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 मेरे हेयर्स आधे से ज़्यादा वाइट होने लग गए अब जैसे ही मेरे हेयर्स वाइट होने लग गए तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई यार कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है अराउंड छः सात महीने के बाद की बात कर रही हूँ हेयर कलर के बाद तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई एक तो हेयरफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है दूसरा मेरे जो हेयर्स हैं वो आधे से ज़्यादा क्या हो गए हैं वाइट हो गए तो थोड़ा सा बंदा कंसर्न में आ जाता है तो मेरे को भी थोड़ी टेंशन होने लगी और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अराउंड एट नाइन मंथ्स के बाद मेहंदी स्टार्ट करी जो मैं हीना यूज करती थी उसमें आंवला हीना शिकाकाई का पाउडर मिक्स करती हूँ दही मिक्स करती हूँ बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके लगाना स्टार्ट किया और जब मैंने दो तीन बार उसको अप्लाई किया ना अपने हेयर पे तो धीरे धीरे जो मेरे व्हाइट हेयर्स हो रहे थे वो वहीं पे स्टॉप हो गया अब व्हाइट हेयर्स तो बिल्कुल दोबारा से ब्लैक नहीं हो सकते ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि दोबारा से आप महदी लगाओगे तो बिल्कुल वो हेयर्स वापस बैक टू द नॉर्मल आ जाएंगे ऐसा नहीं होता जो वाइट हो गए वो तो वाइट ही रहेंगे तो मेरे हेयर्स तो जो वाइट थे वो तो वाइट ही रहे लेकिन जो आगे आने वाले थे ना वो रुक गए दूसरा मेरा हेयरफॉल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया अब मेरा हेयरफॉल बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है उतने ज़्यादा मेरे हेयर्स नहीं ब्रेक होती उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता है थोड़ा बहुत हेयरफॉल होता है तो जिस वजह से मेरे थोड़ा यहाँ से भी हेयर्स चले गए थे लेकिन अब धीरे 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 दोबारा मैं हेयर की केयर कर रही हूँ तो दोबारा से यहाँ से आने स्टार्ट तो हो गई तो है ना वो कवर हो जाएगा बट जो हेयर मेजर होना स्टार्ट हुआ था, वो आफ्टर हुआ था और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ था और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं मैंने बहुत सारे लोगों से ये चीज सुना है कि फॉल होता है आपके हेयर्स वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी हेयर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होता है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था हो सकता है आप में से किसी ने कराया उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो लेकिन मेजोरिटी जो है ना मैं जिनसे मिलती हूँ उनका एक्सपीरियंस ऐसा ही था सो so, मुझे तो ऐसा लगता है कि हेयर कलर के बाद ये सारी दिक्कतें आती है और अगर आपको नीड नहीं है तो प्लीज़ आपके हेयर जैसे हैं आप उनको वैसे ही प्यार करो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो लेकिन हेयर कलर हेयर स्ट्रेटनिंग हेयर रिबॉन्डिंग इन सब से क्या होता है हेयर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है हमारे क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट वगैरह वो अप्लाई करते हैं इतने हार्श केमिकल अप्लाई करते हैं कि हमारे हेयर के ऊपर मेजर इफेक्ट पड़ता है और हमारे हेयर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है हेयरफॉल इंक्रीज़ हो जाता है और भी बहुत सारी दिक्कतें सो so, पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ही करना चाहिए हेयर कलरिंग रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग लेकिन हाँ आज के टाइम पे सब कराते हैं सो so, अगर आप आपको पता है कि ये सब चीज़ें हो सकती है और उसके बाद भी आप करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करोगे तो मैं कभी भी अब नहीं करवाने वाली हेयर कलर रिबॉन्डिंग वगैरह तो चलो मैं क्या ही करवाऊंगी क्योंकि मेरे हेयर जो है वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन उसके जो स्टैंड है वो बिल्कुल थिन है तो रिबॉन्डिंग वगैरह तो वैसे भी नहीं अच्छी लगेगी और केमिकल वाली ट्रीटमेंट्स तो मैं वैसे भी नहीं कराना पसंद करूंगी अब कभी भी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा खराब रहा है सो so, देखो यार कई बार ये भी हो सकता है कि जो जिस सलून से मैंने कराया उन्होंने प्रॉपर अच्छे से नहीं करा ये भी हो सकता है कई सलोन का भी फर्क हो सकता है अगर आप किसी अच्छे सलोन में करा रहे हो तो हो सकता है वो ज़्यादा बेटर करें ज़्यादा बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करें ऑल दो जिससे मैंने कराया था वो मेरे एरिया का अच्छा ही सलोन था लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट सलोन का प्रोसीजर डिफरेंट हो और जो करने का तरीका हो वो और ज्यादा प्रोफेशनल हो तो आपके हेयर्स कम ब्रेक हो या अच्छे रहें लॉन्ग टर्म में लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ सो मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी सो गाइज देखो यार ये तो मेरा एक्सपीरियंस था हेयर कलरिंग को लेकर और मेरे अकॉर्डिंग ये बिग 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 फ्लॉप है और आपको भी नहीं करवाना चाहिए बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करवाना चाहते हो क्या नहीं करवाना चाहते और इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर लेते हैं दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर जरूर करना जो हेयर कलर कराना चाहते हैं या जिनको डाउट है कि हेयर कलर से हमारे हेयर डैमेज होंगे कि नहीं होंगे डेफिनेटली उनके साथ शेयर जरूर करना ताकि वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ टिल देन बाय